हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलजीब्रा की तरफ। तो एलजीब्रा में हमारे करीबन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम इस वीडियो में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। 51 क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर करने की कोशिश करते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 99 कितना दिया है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू 99। ठीक है, आगे देखिएगा 100x। तो हमसे पूछ लिया गया है कि 100x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 102x, ठीक है, प्लस 2, यह हमसे पूछ लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिए x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू। भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वन अपॉन x है, यहाँ पर x प्लस वन अपॉन x बना लेते हैं कैसे भी करके। ठीक है, तो नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स बनेगा, तो यहाँ पे कितने का डिवाइड दे दूँ, 2x का, जब ही तो बनेगा 2 से, ये 2 कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स तो बन गया। तो इसमें 2x, तो इसमें भी 2x, इसमें भी 2x का डिवाइड दे दो, इसमें भी 2x का डिवाइड दे दो। ऊपर कितना x से x गया, 2 से 50, तो मतलब ऊपर तो हो गया मेरा कितना 50। ठीक है, नीचे देखते हैं, 2x से 2x जाएगा, 1x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस x से x गया, 2 से काटेंगे, प्लस 51, और यहाँ प्लस 1/x। यहाँ पे मैं 1 अपॉन 1 प्लस, या फिर आप इसे इधर ले लो, ठीक है, 51 को उधर लिख दो, प्लस 1 अपॉन x प्लस 51। कैसे आया 51, 2 से इसे डिवाइड किया तो 51 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ भाई, इसकी जगह पे रख सकता हूँ 99, 99 प्लस कर लेंगे, 51 कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो 150 इसके नीचे रख देते हैं, 150, 50 एकम 50, 50 दिया तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/3 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 ने बोला है 5x/2, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई की तरह है, 5x/2 माइनस ब्रैकेट में दिया है 7, एक और ब्रैकेट 6x-3/2, ये हमें दिया है। फिर बोला है डिवाइड बाई 4 इक्वल टू में दिया हुआ 5/8। तो हमसे पूछ लिया गया कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 6 42, 7 6 42x माइनस 7 21/2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/4 नीचे हो जाएगा, साइन चेंज करोगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 5/8 है, और इधर देखेंगे तो माइनस का है 5x/2। 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो कितना हो जाएगा 42x/4 माइनस यहाँ पे कितना 21/4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना है 5/8 है। अभी ये ब्रैकेट के अंदर है, याद रखना क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ 5x/2। अब देखो, अब मैं अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये तो माइनस का हो गया, माइनस का इसमें करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, ये देख लो, ये अब हमारा क्वेश्चन बना, 21/8 उधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस वगैरह कर लेते हैं, तो माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा भाई 37 माइनस का, लेकिन यहाँ पे पहले इक्वल करना होगा ना, तो इक्वल करेंगे नीचे, पहले इसे उधर भेजो, तो 5x/2 माइनस का 42x/4 ये उधर पहुँचेगा, तो 5/8 माइनस हो जाएगा 21/8,
ये होगा। इधर देखेंगे तो नीचे बैलेंस करने के लिए दो का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे फोर है, यहाँ पे भी फोर, दो का ऊपर भी, पाँच दूनी दस, बयालीस में से दस गए तो बत्तीस एक्स माइनस का बचेगा बाई फोर। यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा, पाँच माइनस करेंगे तो सोलह बट्टे में आठ, और वो भी माइनस का सोलह बचेगा, ठीक है। चार से डिवाइड कर दो, चार दुनी सोलह से कर दो, सोलह दुनी एक्स, माइनस से माइनस कर दो तो टू एक्स बराबर वन बाई टू, कितना बचा हुआ है, टू एक्स बराबर वन बाई टू। क्या कर सकते हैं हमसे, वैल्यू किसकी पूछी, एक्स की, तो टू नीचे भेज दो तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा। फिर तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वन बाई फोर निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे पहुँचेगा तो डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो वन बाई फोर आ जाएगा। नोट कीजिएगा, और कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है जी, देखिए, ट्रिपल नाइन एक्स ट्रिपल एट वाई ट्रिपल नाइन एक्स प्लस ट्रिपल एट वाई एक और आठ इक्वल टू हमें दिया हुआ है कितना, 1332। यह हमें दिया है, आगे बोला है ट्रिपल एट एक्स प्लस ट्रिपल नाइन वाई इज इक्वल टू 555, तो एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस वाई का मान, तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेना अपना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ट्रिपल एट एक्स इसकी के नीचे लिख देते हैं, ट्रिपल एट एक्स प्लस ट्रिपल नाइन वाई इक्वल टू कितना है, 555। तो यहाँ पे पाँच और दो सात हो गया, तीन पाँच और तीन आठ, पाँच और तीन आठ 1887 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस करने पे, नौ और आठ सात, एक कैरी दस, आठ अठारह की आठ, एक कैरी आठ और एट, 1887x प्लस 1887y। तो यहाँ पे देखेंगे 1887 कॉमन ले लेंगे, हट जाएगा ये, इससे हट जाएगा एक बार, तो x बचा यहाँ पे, y बचा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 के, समझ गए। तो 1 हमारा राइट आंसर होगा, फिर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ, अच्छे से देखना, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन फिर भी सिंपल है, देखना। एक्स इज इक्वल टू हमें पता है ए माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई हमें दिया है ए प्लस बी, ठीक है। बी इज एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू कितना दिया है ध्यान से देखिएगा, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ बी माइनस सी बी प्लस सी, ठीक है। एक जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, जेड की वैल्यू सी माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा तो वन माइनस एक्स, वन माइनस वाई, वन माइनस जेड मल्टीप्लाई में, ये हमसे पूछ लिया गया। वाह, चलो तो हमसे पूछ लिया गया कि वन माइनस एक्स, वन माइनस वाई, वन माइनस जेड, एंड डिवाइडिंग में क्या है, प्लस में होगा, डिवाइडिंग में प्लस में है, तो वन प्लस एक्स, वन प्लस वाई, वन प्लस जेड, यह हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। अब हम वैल्यू तो सारी सबकी पुट नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करेंगे तो अभी प्रॉब्लम है। आप क्या है कि एक कॉलम को सॉल्व करके देख लो, वन प्लस एक्स पर कितना आ रहा है और वन प्लस एक्स पर, वन माइनस एक्स पर कितना आ रहा है, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे ओवरऑल होने वाला क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे वन माइनस एक्स, पहला टर्म वन तो मेरा है माइनस, एक्स की जगह पे क्या रख दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे वन मान के एलसीएम लो या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, माइनस ये कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी
माइनस का है, माइनस का ए, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का बी, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए प्लस बी। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखेंगे माइनस का ए प्लस का ए कट गया तो फाइनल आंसर कितना आया, टू बी बाई ए प्लस बी। तो मतलब ये जो है हमारी वैल्यू किसकी निकल कर आई, वन माइनस एक्स की, ठीक है। वन माइनस एक्स बराबर क्या है, टू बी बाई ए प्लस बी, टू बी बाई ए प्लस बी। अब यहां से मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वन माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देख सकते हो टू बी, बी यहां पर कौन सा टर्म है, ये वाला, मतलब ये दूसरा वाला जो टर्म है वो डबल हो जाएगा तो टू सी हो जाएगा। और नीचे तो अगर आप देखोगे ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो यहां पर बी प्लस सी हो जाएगा, वन माइनस वाई निकल के आ गया। अगर मैं यहां से वन माइनस जेड निकालू तो भी सिंपल है, सबसे पहले टू ए डिवाइडिंग बाई नीचे कितना है सी प्लस सी, वही तो टर्म में लिखा हुआ है, हमने अभी कैलकुलेट करके देखा फर्स्ट वाला, सेम उसी की तरह हमने तीनों लिख दिए भाई। ऊपर की कहानी तो निकल के आ गई, माइनस वाली माइनस वाली माइनस वाली वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। पुट कर देते हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, टू बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, टू सी डिवाइडिंग बाई बी प्लस सी, टू ए डिवाइडिंग बाई सी प्लस ए, ये है मेरा ऊपर का पोर्शन। अब नीचे की एक वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे देख लेंगे क्या हो रहा है। तो वन प्लस एक्स निकालना है इस बार, तो वन मेरा यही रहेगा, एक्स की जगह पे क्या रख दूँ, ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, जो नीचे लिखा है वो तो नीचे, माइनस का बी प्लस का बी कट गया तो फाइनल आया टू ए डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी। तो इसी को देखते हुए हम सारे टर्म बना सकते हैं क्या, नीचे तो ए प्लस बी है तो इसका मतलब ये नीचे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये तो नीचे रहने वाला है, नीचे वाला टर्म सबका फिक्स है, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये तो फिक्स है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर की बात करें तो 2a मतलब पहला वाला टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, तो यहाँ पे कितना 2c, अब कैलकुलेट कर लो जी, मल्टीप्लाई में काटा पीटी कर लो बस। तो देखो 2b से 2b, 2a से 2a, 2c से 2c, यहाँ पे a प्लस बी, b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस ए, c प्लस ए, सब तो कटी के बचा कितना, वन बचा, यहाँ तक बोर्ड आ रहा है तो फिर यहाँ पे वन हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अगर वहां नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, वन हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं है, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, पुट करनी है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। तो वन हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, ठीक है। अब धीरे धीरे आप ना अपना लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्टार्टिंग से अब लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन थोड़े थोड़े धीरे धीरे टफ होते चलेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो फर्स्ट टाइप में आने वाली है, फिर नहीं प्रॉब्लम आएगी, फिर किसी भी टाइप में नहीं आएगी, बस आप फर्स्ट टाइप को क्रॉस कर लो कैसे भी करके। जैसे आप फर्स्ट टाइप क्रॉस कर लोगे उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने से बस आप फर्स्ट टाइप को कॉपी में नोट कीजिए, जितना कराया जा रहा है सारी चीज़ें नोट कीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, एक रफ कॉपी में, एक तो परफेक्ट बनाइए, एक रफ कॉपी बनाना चाहो बना सकते हो या फिर प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या बोल रहा है। 55 ने हमसे बोला है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें a बाई बी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दिया वन माइनस वाई, यहाँ पर उल्टा दे दिया यार, वन पहले पे दे दिया, अगर सेकंड टर्म पे होता तो आसान हो जाता, वन प्लस वाई वैसे भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी वाई ए। क्वेश्चन में पूछा गया एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, क्वेश्चन में पूछा एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, यह हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम,
अब हमें निकालना है x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम योगांतर अनुपात, या तो बोल देते हो बहुत सारे लोग योगांतर अनुपात, मैं अपनी पर्सनली बोली तो योगानुपात बोलता हूँ मैं उसे, कंपोनेंट डिवाइडर को, ठीक है, वो भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, बात सिर्फ इतनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट साइड में करोगे, दोनों साइड में आपको सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस कर लेता हूँ, प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वन, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, एंड एक्स माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा। पहला टर्म मैंने ऊपर से लिया, दूसरा टर्म मैंने नीचे से, पहला टर्म ऊपर से लिया, दूसरा टर्म नीचे से, ठीक है। तो ए प्लस बी हो जाएगा डिवाइडिंग बाई ए माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइड में हमें सेम करना है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन पहले पे, तो हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे वन प्लस वाई, ठीक है, वन प्लस वाई माइनस, चाहो तो वन माइनस वाई, माइनस का वन एंड प्लस वाला माइनस का हो जाएगा तो माइनस का वाई, ठीक है, एंड डिवाइडिंग वाई कितना हो जाएगा, वन माइनस वाई प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी माइनस ए डिवाइडिंग बाई बी प्लस ए। यहाँ से देख लो, अगर आपको वैल्यू मिलती है एक्स और वाई की, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस की वैल्यू, वन की वैल्यू कट गई, यहाँ पर भी माइनस की और वन की कटनी चाहिए, देख लेते हैं, माइनस की वन की कट जाएगी। नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा क्या कट रहा है, वाई कट रहा है, क्योंकि ये तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो y कट गया माइनस प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या कट रहा है, नीचे x कट जाता है, तो नीचे बचा दो, ऊपर बचा x और x, 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस वन 2 हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। x की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें y की वैल्यू और चाहिए। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऊपर देखेंगे कितना बचा मेरे पास, माइनस का 2y डिवाइडिंग बाई 1 मतलब 2 इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडिंग बाई बी प्लस ए। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, माइनस की y की वैल्यू आ रही है भाई, माइनस का y थोड़ी ना चाहिए, हमने ऊपर माइनस किया, इस बार प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, वन प्लस वाई प्लस वन माइनस वाई, यहाँ से वाई कट जाएगा, नहीं तो पहले माइनस करो, यहाँ पे यहाँ से माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब सही है। अब ऊपर बचेगा टू वाई, नीचे बचेगा टू, और टू से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस वाई प्लस वन प्लस वाई, ऊपर तो हमने माइनस किया, पहले नंबर पर ये लिया मैंने, ठीक है, ओके, दूसरे नंबर पर वन माइनस वाई, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो जाएगा लेकिन, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पे देख लेते क्या कट रहा है क्या बच रहा है, तो ये माइनस वाले कट जाएंगे, ऊपर बचेगा टू वाई, क्योंकि हमें चाहिए वाई, ठीक है, माइनस वाला ये कट गया, वन और वन टू इज इक्वल टू में कितना है ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, टू से टू कट जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी। अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट करने पर क्या होता है, मैं इसे इससे को रफ कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है, और अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स कितना है मेरा, एक्स है ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई ए माइनस बी माइनस ये वाला, ठीक है, वाई कितना है मेरा, ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, ठीक है, ये हमें दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे डिवाइडिंग में वन प्लस एक्स कितना है मेरा, ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई
एक्स वाई है ना, तो ए माइनस बी डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी, तो नीचे बचा कितना, टू, क्योंकि वन ये है, वन ये भी तो वन ही बचा, वन और वन टू हो गया, नीचे तो भाई टू हो गया। ऊपर अब क्या कर सकते हो, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये कितना हो जाता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बीच में माइनस है एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab एंड डिवाइडिंग बाई कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसके नीचे भी हमारा क्या है अभी 2 है और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 यहां पर आ जाएगा, मान लो यहां आ गया तो 2 से ये 2 2 जा 4, तो आंसर कितना होगा 2ab डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन में होना चाहिए 2ab डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab मतलब ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो अगर प्लस इस टाइप से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, 4ab के, ठीक है, अगर यहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता किसका, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट से जल्दी से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी लेंथी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, 56 क्या बोल रहा है, 56 ने बोला है ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2, तो क्वेश्चन ने पूछा है ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मान क्या होगा, इसे तो वैसे ही देख लो भाई, ऐसी वैल्यू ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे क्या हो जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, मतलब वेरीफाई हो जाए, 2 ही तो है इन दोनों का योग, ठीक है, a बराबर 1 मान लो, b बराबर 1, तो यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे, तो देखो 1 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो एक और एक 2 वेरीफाई हो गया दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो गया, तो इसमें तो कुछ नहीं था, वैल्यू पुट कर सकते हो आप, सिंपली 0 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जो कि हो सकता है आप लोगों को डाउट हो लेकिन दिक्कत नहीं होगी, योगानुपात लग सकता है उसमें आसानी से, सिंपल ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है एक्स बाई वाई इक्वल टू दिया हुआ है किसके, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी या ए प्लस टू, ए प्लस टू एंड ए माइनस टू, ये हमें दिया है, तो हमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये हमें बनाना है भाई, ठीक है, अब ये बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने के बाद अगर हम योगानुपात लगा दें, ऊपर प्लस कर लेंगे एक बार, नीचे माइनस कर लेंगे, यही बन जाएगा अपना, तो पहले तो स्क्वायर कर दो भाई, कर दिया, ठीक है, इसे ऊपर ले जाए तो एक्स स्क्वायर हमें क्या चाहिए ऊपर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक बार ऊपर माइनस, नीचे प्लस कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए, तो इधर भी हमें सेम करना होगा, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट में भी सेम करते हैं दोनों साइड में, तो ए प्लस टू का होल स्क्वायर यहाँ माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस, ए माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हमारे पास अब क्वेश्चन बना।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस 2 को b मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये बराबर किसके होता है, b बराबर यहाँ पे कितना है, b बराबर हमें दे रखा है 2। जब b बराबर 2 है तो मान लो ये b लिखा हुआ है, जब b लिखा होगा तो किसके बराबर होगा भाई, 4ab के बराबर होगा, इसी के तो बराबर होगा। नीचे पॉजिटिव में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप क्या b बराबर 2 रख सकते हो, हाँ बिल्कुल, तो 2 से सबसे पहले तो इसे काट दो, वैल्यू पुट करते हो, ऊपर बचा 2 इंटू a की जगह तो हमें a ही लेना है, b की जगह हमें 2 लेना है, डिवाइडिंग बाई, नीचे a की जगह a स्क्वायर ही रहेगा लेकिन b की जगह पे हम रखेंगे कितना, 2, और 2 दुनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दुनी 4 हो गया, 4a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 4, ये सिंपल सा आंसर है, 4a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 4, 4a a स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन नंबर 3 हमें दिखाई दे रहा है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर आता है, तो b स्क्वायर आता है तो 4 आएगा नीचे, समझ के। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, 58 में क्या दिया हुआ है, और जो जो बीच बीच में फॉर्मूले जो आपको बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नोट करते चलिए, ठीक है, ये आगे चल के बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ अगर मैं फॉर्मूले की लिस्ट अगर आप लोगों को दे दूँ तो वो याद नहीं होगी, धीरे धीरे अगर आप करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, 58 क्या बोल रहा है, 58 ने बोला है x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमसे पूछ ले गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, यही पूछा है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले x यहाँ पे x होना चाहिए, नीचे यहाँ पे भी x से डिवाइड दे दो भाई, यहाँ पर भी दे दो, x से x कट गया, एक x से ये, तो x माइनस वाला माइनस 1 अपॉन x, ये माइनस का उधर जाएगा तो इक्वल टू में 4, तो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 दिया है आपसे, पूछ लिया है क्या ये, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ माइनस का है तो हमें पता है यहाँ प्लस का होगा, इसका स्क्वायर 4 चौक 16 होगा, 16 में कितना जुड़ेंगे, यहाँ स्क्वायर पूछा है तो 16 प्लस 2 16 और 2 18 आंसर हो गया, तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, नोट कीजिएगा, ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों का डाउट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 59 ने हमसे बोला a प्लस 1 अपॉन बी, a प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, दूसरी कंडीशन b प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1, तीसरी कंडीशन c प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, यह हमसे पूछा है किसके बराबर होगा, तो इस टाइप की जब सीरीज आपको दी जाती है तो नॉर्मली 1 होता है आंसर, तो इसका भी 1 ही होगा, सीधी सी बात है, लेकिन कैसे होगा वो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर करते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन आया तो कुछ ना कुछ तो करो भाई, सीधा आंसर थोड़ी ना भूल दोगे। अब देखो मान लो कि यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट कर दूँ जिससे 1 बन जाए मेरा, ऐसा कुछ सोचो, अगर मैं a बराबर 1 से तो होगा नहीं भाई, a बराबर मान लो 2 प्लस b बराबर मान लो, फिर भी नहीं होगा, ये दोनों साइन प्लस के हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, तीनों प्लस के हैं भाई, a मान लेते हैं हम, a बराबर माइनस का 2 ले लूँ, तो a बराबर माइनस का 2 और 1 अपॉन b बराबर, सिर्फ b बराबर लो, और b बराबर मान लो मेरे पास है कितना 1 अपॉन 2, ठीक है, तो अब इसे देख लेते पुट करके भाई, तो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन का 2 ऊपर, ठीक है, तो 1 अपॉन, तो यहाँ पे प्लस का माइनस का ये तो कट ही जाएगा भाई, ये तो 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हैं भाई, a बराबर 1 ले लें, ठीक है, और b बराबर हम ले लेते हैं 1 बाई 2, तो
तो देख लेते कितना होता है। तो a बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 ऊपर पहुंचा दें भाई, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये तो 2 हो गया। तो 1 1 जब 1 और 2 नहीं हो रहा भाई, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ और फंडा देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कैसे भी करके 1 आ जाए भाई। तो a बराबर मान लेते हैं यहाँ पर कितना 1 बाई टू, एंड यहाँ पे b बराबर मान लेते हैं 2। जब a बराबर 1 बाई टू और b बराबर 2 है, तो देखो जरा क्या 1 के बराबर हो रहा है। तो 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन b की जगह पे 2, तो 1 बाई टू 1 बाई टू आधा आधा मिलकर कितना बना देगा 1। अपना क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो बस अब आगे का प्रोसेस है, ये तो आपको डिजिट रख कर ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब b बराबर 2 है, यहाँ पे पुट कर दूँ तो b बराबर यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1। इसे उधर लेके जाओ, इसे उधर लेके जाएंगे तो 1 बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस का 1 है, लेकिन हमें तो चाहिए कितना भाई, हमें चाहिए a बराबर तो हमें पता है 1 बाई टू है। अब c बराबर हमें चाहिए, तो c बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 c, ठीक है। अब इसे इधर लेके आएंगे डिवाइडिंग में, यहाँ से माइनस 1 कहाँ जा सकता है, माइनस 1 जा सकते हैं यहाँ पे, माइनस के 1 से डिवाइड देंगे तो c बराबर भी माइनस 1 होगा। कितना हो जाएगा भाई, माइनस 1 से डिवाइड दोगे तो माइनस 1 का हो जाएगा, तो माइनस 1 सी बराबर माइनस 1 है, एंड प्लस 1 बाई ए बराबर कितना है मेरा 1 बाई टू, 1 डिवाइडिंग बाई ऊपर 2, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 बचेगा कितना, ओनली प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो 1 हमारा राइट आंसर है, 59 का 1 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट, और ये वैल्यू आपको खुद ही रखनी होगी, एक एक वैल्यू चेक करके, जिससे वेरीफाई हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड से ही कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 60 ने हमसे बोला है 18x माइनस 18y, ठीक है, प्राप्त करने के लिए 8 ब्रैकेट में 3x माइनस 4y में क्या जोड़ा जाए, मतलब ये मुझे ये वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं कि ये आ जाए। वाह भाई वाह, ये कौन सा है भाई, मान लो इसमें मैंने x जोड़ दिया, इक्वल टू में किसके बराबर आना चाहिए भाई, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ या यहीं पकड़ लेते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं है, 18x माइनस 18y, ठीक है, इसे उधर ले जाओ जी, माइनस कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 24x माइनस 8 4 32y, ठीक है, प्लस का x है, ये उधर भेजो जी, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा 18x माइनस 18y, इसे उधर भेजेंगे तो 18x माइनस 18y माइनस कर देंगे 24x, ठीक है, एंड माइनस का 32y, ये हमें चाहिए। अब ये वाली x हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट में हटाता हूँ, इससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इस वाली को जब मैं हटाऊँगा तो क्या होगा, ये प्लस का साइन बन जाएगा, और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या जोड़ना है। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाली देख लो, एक्स एक्स वाली ये है, तो कितना बचेगा, माइनस का 18 6x, ठीक है, यहाँ देखेंगे तो प्लस का 32 18 2 36, मतलब 4 कम तो मतलब 14 19 20 14y, किसका होगा, प्लस का, तो माइनस का 6x प्लस 14y, ये हमें जोड़ना होगा, माइनस का 6x प्लस का 14y, तो देखो हो सकता है ये माइनस का x उधर दे या फिर 14y इधर दे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा 60 का, ठीक है।
14 वाई जोड़ना होगा और माइनस का 3 है, माइनस का 6x, ठीक है। चलो नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अमला को, तो होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।